श्राद्ध पक्ष के अवसर पर पितरों को याद किया जा रहा है। इसी के चलते इंदौर में भाजपा के नेताओं ने हंस मठ दास में सामूहिक तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा एवं संघ के दिवंगत नेताओं के साथ ही शहीदों का तर्पण श्राद्ध कर सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। बता दें कि भाजपा नेता और खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू के द्वारा पिछले करीब 10 सालों से तर्पण श्राद्ध पक्ष में कराया जाता है, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही कई दिवंगत नेताओं और शहीदों की स्मृति में तर्पण किया जाता है। श्रद्धा क्रियते इति श्राद्धम, ये श्राद्ध पक्ष है और हम सनातन सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में मानवीय संबंधों की जो गहराई है वो कितनी गहरी है वो इस बात का प्रमाण है कि हम जो दिवंगत हो गए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनको भी जलांजलि अर्पित करते हैं, भोजन द्रव्य देते हैं। इसी निमित्त मैं लगातार वर्षों से आनंद गोष्ठी के माध्यम से पितरों का तर्पण करने हंसदास मठ पर आता हूं और मैंने देश के महापुरुषों, दिवंगत संतों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके अलावा कोरोना महामारी में जो दिवंगत हुए हैं, उनको, शहीदों को और महापुरुषों को यहाँ पर तर्पण करके जलांजलि देकर उनके आशीर्वाद से हम सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं कि देश लगातार विश्व का सिरमौर बने, देश में अमन चैन शांति रहे, सब समृद्ध हों, नागरिक सब निरोगी हों, हम इस महामारी से छुटकारा पाएं, समृद्धि के उस अनंत आकाश की तरफ भारत के नागरिक जाएं, हम ये कामना करने के लिए यहाँ पर मैं ये तर्पण का कार्यक्रम करता हूँ। और मैं अपने लिए नहीं, देश के लिए और समाज के लिए मांगने के लिए उनको श्रद्धा से याद करता हूँ। हर साल का ये अनुष्ठान है, मैं इस माध्यम से लोगों को प्रेरित करता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता को वो पालन करें और इन 16 दिनों में अपने जो दिवंगत हो चुके महापुरुष, हमारे घर के पितर और देश काल समाज में जिन लोगों से हमारा संपर्क रहा है, उनको भी हम याद करें, उनका स्मरण करें और उनका आशीर्वाद लें। श्रद्धा सुमन सेवा समिति इंदौर द्वारा हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में तर्पण का कार्यक्रम होता है और ये सामूहिक रूप से होता है। और इस श्राद्ध पक्ष में जब ब्राह्मण नहीं मिलते, पुजारी नहीं मिलते, विधि विधान की जानकारी नहीं होती, तब यहाँ पर विधि विधान से श्राद्ध होता है, तर्पण होता है और प्रतिवर्ष होते जा रहा है। आज हम उनको भी तर्पण किया जो कोरोना में अज्ञात जिनकी मृत्यु हुई, उनका भी तर्पण सामूहिक किया और ये एक अनूठा कार्यक्रम पूरे देश में इंदौर में ही होता है और मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। इंदौर के शुभम पैलेस में 7वीं क्लास की 12 वर्ष की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां जांच अधिकारी ने बताया कि शुभम पैलेस में रहने वाली अक्षरा की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद परिजन उसे तत्काल MY अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर कुछ समझ पाते इससे पहले ही छात्रा ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। उल्टी दस्त हुए थे, कोई ऐसा कुछ नहीं, 7:30-8 बजे तक तो दूध और उसको मैंने कोकोनट पिलवाया है, तो अच्छे थे, बोले पापा अच्छी हूँ मैं, और अचानक 5 मिनट बाद तबीयत खराब हो गई। बात तो ये कल क्या नाम था बच्ची का? अक्षरा रायकवार। हाँ, पढ़ाई करती थी 7वीं। क्या हुआ था अचानक? उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी दस्त तो बाकी व्यवस्था अच्छी थी, बिल्कुल हस्त पुस्त एकदम से। शुभम पहले आकाश रायकवार पापा। कल MBH से टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई थी कि परी उर्फ अक्षरा पिता आकाश नाम की बच्ची मृत अवस्था में MBH में उसके परिजन लेकर के आए इलाज वास्ते। तो MBH की सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध करके जांच लिया गया था। आज उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी प्राथमिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध हुई है परिजनों के द्वारा, जैसा बताया गया है, उनके द्वारा जो बताया गया है कि पिछले 2-3 दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, उसको उल्टी दस्त और बुखार की समस्या थी। कल उसको इलाज हेतु MBH में रेफ़र किया गया था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है।
अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और अभी मर्ग अभी जांच में है। बच्चे की उम्र क्या है, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे की उम्र है 12 साल और नाम है परी उर्फ अक्षरा, पिता आकाश, निवासी शुभम पैलेस इंदौर। शुभम पैलेस इंदौर एरोडम थाना क्षेत्र के अंतर्गत। ऊनी आलोक राघव एरोडम थाने से। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 16 विभागों में संचालित 41 कोर्स में प्रवेश के लिए हुई सीईटी का रिजल्ट रविवार शाम घोषित कर दिया गया। हालांकि मॉडल आंसर शीट जारी होने के बाद विद्यार्थियों को उनके रिजल्ट का अनुमान पहले ही लग चुका था। मामले में तकरीबन 8 परीक्षार्थियों ने इसे लेकर दावे और आपत्तियां लगाई थी, जिसे एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया था। वहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया गया। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में रहने वाली एमबीए की स्टूडेंट ने गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की। सहेली को व्हाट्सएप पर फोटो भेज दिया। सहेली ने जैसे ही फोटो देखे वह तुरंत उसके घर पहुंची। छात्रा छत पर बदहवास हालत में पड़ी थी। इसके बाद उसे एमबीए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार 23 साल की छात्रा देवश्री देशमुख महालक्ष्मी नगर की रहने वाली है। वह इंदौर में प्राइवेट कंपनी में काम करती है। बुरहानपुर की रहने वाली छात्रा कुछ समय पहले ही इंदौर आई थी।